ये व्यू देखो भाई, हम लोग ऊपर से आए हैं, बहुत ऊपर से आए हैं। हाय प्लीज बाय बाय बाय। दोस्तों मैं हूँ आयुष और ये है नीरज भाई, हाय बोल दो। तो मैं आज भूटान में हूँ और मार्केट घूमने जा रहा हूँ, तो मैं मार्केट के बारे में और मार्केट का अच्छा अच्छा व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं ये बता दे रहा हूँ कि आप कैसे आ सकते हैं भूटान। तो आपको आने के लिए बस कहीं से भी, मतलब इंडिया में कहीं से भी आप सिलीगुड़ी तक का बस, ट्रेन, फ्लाइट्स भी ले सकते हैं। फ्लाइट्स आपको बागडोगरा एयरपोर्ट तक आता है, उसके बाद आपको वहाँ से टैक्सी लेके जयगांव तक जाना होगा। और जयगांव जाने के बाद वहाँ पे स्पेशल पास, टूरिस्ट पास बनवाना होगा और आप वहाँ से टैक्सी से थिम्पू आ सकते हैं। वैसे आप डायरेक्ट फ्लाइट से भी पारो एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, जो कि पारो एयरपोर्ट जो कि थिम्पू के बगल में है। लेकिन यहाँ आने के लिए आपको या तो बागडोगरा से फ्लाइट लेना होगा, नहीं तो कोलकाता मतलब दमदम एयरपोर्ट से फ्लाइट लेना पड़ेगा। तो आपका मर्जी, आप जो चूज करें। तो अभी हम लोग घूमने जाएंगे और आपको रास्ते में अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे, तब तक के लिए। तो दोस्तों अभी जो कि हम मार्केट जा रहे थे, तो रास्ते में एक सुंदर नज़ारा आप लोग को दिखाने के लिए हम दिखा रहे। देखिए ये, देखिए यह सेव का खेत, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फरा हुआ है, दीजिए दिख रहा है आपको, देखिए कितना ज़्यादा फरा हुआ है। बहुत लाजीज और मीठा होगा, ये तो कन्फर्म है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेव का टेस्ट करके मैं जरूर दिखाऊंगा, अभी पेड़ से तोड़ के। और एक बार पेड़ से तोड़ के खाने का मजा ही अलग है। ऑडियंस को हाय कीजिए। ये जो इसका व्यू है ना, ये अगर आपको दिख ही रहा होगा कितना अच्छा है। मतलब मैं बोलूँ ना तो भूटान का जितना तारीफ किया जाए वो कम है। सबसे सुंदर देश जो कि भूटान है। और वो जो आपको दिख रहा है ना, वो रनवे, वो एयरपोर्ट का रनवे है, पारो एयरपोर्ट। और ये देखिए व्यू, ये देखिए। और इसमें एक जेंटलमैन को आपको दिखाता हूँ, एक जेंटलमैन को, ये देखिए जेंटलमैन। ये देखिए हाय कर दो भाई, हाय कर दो। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हुडो। तो हम मार्केट से काफ़ी करीब आ गए हैं, ये देखिए। अभी भाई 5 मिनट समथिंग लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और वो जो आपको दिख रहा है ना सामने रनवे, वो एयरपोर्ट है। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट के बारे में बता रहा था। तो जो भूटान का पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। और यहाँ पे दुनिया का 8 ही पायलट है जो प्लेन उड़ा सकता है। तो आप समझ ही सकते हैं कितना खतरनाक होगा एयरपोर्ट। तो ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, ये जिगजैक है, जिगजैक रास्ता, उसको देखिएगा वो कैसे टर्न करेगा। और मैं अभी जो मेरा जो भी हाइट है ना, मैं समुद्र लेवल से 2200 मीटर ऊपर हूँ, समझ सकते हो कितने ऊपर हूँ। ये देखो ये व्यू नज़ारा, ये देखो गाड़ियाँ इधर से भी आ रहा है। और ये आपका भाई आयुष, इसको तो जानते ही होगे भाई। मैं हूँ डॉन। दोस्तों आप लोग बहुत लकी है, तो ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए धूप, जिसमें से थोड़ा थोड़ा कट करके यहाँ का किसान लोग कट करके थोड़ा थोड़ा बेचते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। और आपका पीछे का व्यू दिख ही रहा है कितना अच्छा है। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर आप भूटान आ रहे हो तो कितना मजा आएगा। मतलब अगर भूटान का आप प्लान बना रहे हो घूमने का, तो आपका फुल पैसा वसूल हो जाएगा। ऐसा ये जगह है सारे, जब धूप घाटी का पौधा है। ये देखिए वो जो दिख रहा है आपको, सनफ्लावर दिख रहा है, देखिए सनफ्लावर हमारे ओम सर। अरे भाई एक बार आप कुछ बोलो ऑडियंस के लिए। ये देखिए ये भुट्टा, मतलब मक्के का खेती है। और नीचे जो दिख रहा है ना आपको, लाल लाल काला काला लाल मिर्च और काला मिर्च है। उधर धान का खेती किया हुआ है। ये देखिए लखा का डेयरी। और ये देखिए दो क्यूट प्यारी प्यारी बच्चे बैठे हुए हैं। हाय बोलो, हाय कैसे हो, हाउ आर यू, फाइन। ये देखिए बहुत प्यारा बच्चा है। और एक चीज़ जानते हो, मैं जो अभी ऐसे घूम रहा हूँ ना सर टी शर्ट पहन के, अगर आप दिसंबर जनवरी में आओगे ना, जितना व्यू दिख रहा है सब बर्फ के अलावा कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे आप बर्फीले जगह का भी मज़ा ले सकते हो दिसंबर जनवरी में। और मैं आपको अभी आगे एक रिवर दिखाऊंगा, जो कि ग्लेशियर से बह के झरना के द्वारा एक रिवर बना हुआ है, जिसको पारो रिवर का नाम से हम लोग जानते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों भूटान का, ये पता नहीं चला है गधा या घोड़ा, ये क्या है पता तो नहीं चला, आप लोग कमेंट में बताना ये क्या है, गधा या घोड़ा। एक उधर भी है, नहीं नहीं नीरज को नहीं बोल रहा हूँ, एक उधर गधा भी है, आप नीरज को मत गधा समझो। ये लोग भूटनीज लोग है, ये भूटान का नेशनल ड्रेस है, मतलब यूनिफॉर्म। अरे आदमी तो 8 महीने का पीछे आने से मतलब कब इधर कब बिहार तो कब का मौसम घूमने आना चाहिए, जून जुलाई में में और दिसंबर जनवरी में क्या? अच्छा अंकल जनवरी में आना चाहे, उस टाइम क्या इधर बर्फीला रहता है क्या इधर? देखो उस टाइम सब स्नोफॉल होगा ना, स्नोफॉल हो जाता है ना स्नोफॉल में। तो आप ऑडियंस को हाय बोलिए। हाय
हाय। ये देखिए भाई व्यू, वंडरफुल व्यू। ये देखिए व्यू, वंडरफुल व्यू। अरे देखिए भाई साहब को देखिए, मैं आपको एक भाई साहब को दिखाता हूँ। अरे भाई साहब, आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? कलकत्ता से। ये देखिए भाई, मेरा बंगाली भाई है। हाय बोल दो। हाय। अरे शॉप है। ये बच्चा लोग मस्ती कर रहा है। अरे शरारती बच्चा, कैसे हो? क्या जेसीबी चला रहे हो? वो क्या गंदा हो गया तुम्हारा? तो हम लोग फाइनली बोंडे मार्केट आ चुके हैं। हम लोग फाइनली आ चुके हैं शॉप पे, जहाँ से हम लोग कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए और कुछ मस्ती करने के लिए लेंगे। मीना जनरल शॉप बोंडे, पारो बोंडे। देखो ये देखिए शॉप का ऑनर, हाय बोल दीजिए। हेलो। भूटान का एक चीज़ और फेमस है, पता है क्या? ये भी बस 200 मीटर बगल में बारिश हो रहा है और इधर बारिश नहीं हो रहा है। ये बहुत फेमस है भूटान का। यहाँ पर कभी भी कहीं भी किसी टाइम बारिश हो जाता है। हेलो दोस्तों, अभी फाइनली राशन लेने के बाद हम इधर सब्जी वेजिटेबल शॉप पे आए हैं। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा है, फिर भी देखिए सब्जी का दुकान है। फाइनली मार्केट हो गया दोस्तों। रिवर है और ये रिवर के पास में वेजिटेबल शॉप है, इधर से हम लोग मार्केट करते हैं। और इधर आपका ये हो गया रिवर। फाइनली हम लोग का मार्केटिंग हो गया। और ये इधर मार्केट है और ये इधर रिवर, आपको हाईलाइट्स होगा देखिए। और ये हो गया मेरा मार्केट, इधर से सभी लोग मार्केटिंग करते हैं, जो जो लेना होता है वो लेते हैं, उसके बाद दारू पीते हैं, चिल करते हैं। ये नीरज है जो कि आपको अभी हायर नहीं कर सकता है। ये देखो लड़कियाँ लोग, ये देखो भाई, ये भूटान का 100 रुपये है, 100 रुपये। और ये आपको दिख रहा है पारो 2, एयरपोर्ट 2 किलोमीटर, और पारो मार्केट आपको पड़ेगा वो 7 किलोमीटर समथिंग। हाय, आप बोलो। हाय, बोलो भूटान बुलाओ किसी को, बोलो ऑडियंस लोग को भूटान आने के लिए। भाई तो इधर शॉपिंग करेगा सब। चलो भाई, फाइनली मार्केटिंग हो गया। ये मैडम लोग कितना सर मार रही है, स्माइल कर रही है। चलो बाय। ये मेरा दोस्त, नाम बताओ। सोना मांचू। भाई तू कर्मा, कर्मा तो तुम लोग बताओ, ये दावा पिंजर आप लोग का शॉप है ना, तो यहाँ पे बोलो बुलाओ यहाँ पे सभी। आओ इधर, बोंडे में आएगा, बोंडे में आने से आओ इधर है ना, शॉपिंग करने के लिए। ये दोस्त है, ये भाई पारो लीवर। देखो इसका फ्लो अभी बहुत हाई है, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो इतना फ्लो नहीं था। दोस्तों फाइनली मार्केटिंग हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं रूम पे। इसको बताना ये क्या है, कुत्ता है। फाइनली दोस्तों हम लोग अपने रूम पे आ गए हैं, वो जो कि आपको वहाँ एयरपोर्ट दिख रहा है, रनवे एयरपोर्ट का रूम प्रोजेक्ट जो भी है। चलिए हम अपना अपना, चलो भाई। अरे कुछ बोल यार, तू आज ठीक है, भांग पी गया है क्या यार? कुछ बोल ही नहीं रहा है पूरा पेड़ पौधा के बीच में। कुछ भी कहो यार, पहाड़ों में और पेड़ में, पेड़ के बीच में बहुत सुकून है, पेड़ पौधा के बीच में। मैं फाइनली रूम पे अपना आ गया। ये हमारा रूम पार्टनर जो कि हमारे सीनियर है, सर आप कुछ बोलना चाहोगे? हेलो सर। तो इस ब्लॉग में जो भी आपको दिखाना चाहता था दिखा दिया, भूटान के बारे में, भूटान के कल्चर, पहाड़, बादल, रिवर, मार्केट, रनवे, दूर से ही सही दिखा दिया। अभी मैं अपने रूम पे आ गया, इधर मेरा वो वाला रूम है, रेस्ट रूम। चलो इसी के साथ मैं एक आपको स्टाइल मार के दिखाता हूँ, कमेंट में बताना किस हीरो का स्टाइल है और कौन सा मूवी का, ठीक है? स्टार बनेगा सर। बाय बाय।